टू क्लोज अप प्रेजेंट्स इंडियन आइडल पावर्ड बाय MTS. पिछले हफ्ते हमारे टॉप 10 के सामने इम्तिहान था उनकी वॉइस क्वालिटी का, और इस हफ्ते इम्तिहान होगा डायनामिक्स और वॉइस एक्सप्रेशन का. उफ, इतने भारी भरकम शब्द, इसका मतलब भी समझा दो. अरे बहुत सिंपल है मिनी, आई मीन देखो जैसे कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे, और डायनामिक्स के बारे में मैं इतना तुम रहने दो हुसैन. आशा ताई, मुझे लगता है कि आप ही समझाइए हमारे कंटेस्टेंट्स को और हमें वॉइस एक्सप्रेशंस की अहमियत क्या होती है. इसी चीज़ पर हमारा जीवन है कि वॉइस और उसको अलग अलग एक्सप्रेशन कैसे देने. सैड सॉन्ग है तो सैड सॉन्ग में हमें क्या करना पड़ेगा. जैसे एक बार मुझे SD बर्मन साहब ने कहा था, दादा ने, आशा ये बहन भाई का गाना है, बहुत अच्छा गा रहा है लेकिन कुछ है नहीं. जैसे ये बोलती है कि मज़ा नहीं आया. मैंने कहा क्या हो रहा है दादा, मैं सुर में वो गा रही हूँ बराबर. तो एकदम उन्होंने पूछा मुझे, तुम्हारा भाई भाई नहीं है? तो एक मिनट के लिए मैं खामोश हो गई, क्योंकि हमारे चार बहन का एक ही भाई है और उस भाई को हमने बहुत प्यार से बड़ा किया अपने बेटे जैसा. तो उसका जैसे कहा उन्होंने तो मेरे एकदम आँख से आंसू आए. कहने लगे टेक करो टेक करो, और टेक शुरू हुआ. तो क्या होता है, अपने आप वो फीलिंग आती है कि अरे भाई भाई की याद. अब हेलन का गाना है, आओ ना गले लगाओ ना लगी बुझा दो ना हो साजना रे, तुमने जो अगन लगाई है तो छुके देखो ना कहाँ कहाँ, देखो सीने में कैसी नाना लगी है ओ साजना. तुर 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 आओ ना गले लगाओ ना लगी बुझा दो ना ओ साजना. अब वाओ पहले हम आगे बढ़े, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आशा ताई ने आज तक तकरीबन 12,000 गाने गाए हैं. कैन यू बिलीव इट गाइज, 12,000 सॉन्ग्स. आई मीन हाउज दैट, क्लीन बोल्ड. और दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा कि आशा जी के नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एज द मैक्सिमम रिकॉर्डेड आर्टिस्ट. आशा ताई, इट्स रियली अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द पैनल. आपने और लता जी ने मिलकर कुछ 90 या 92 गाने साथ गाए, इज दैट राइट? हाँ, डुएट गाने हमारे कुछ 92-93 गाने हैं. वैसे तो आपको और लता दीदी को साथ में गाने का जो ख्वाब हम सब ने देखा है, पता नहीं वो कब पूरा होगा, लेकिन एक गाना मन क्यों बहका, मैं अगर अभी गा सकी तो गा देती हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं है कितना वो होगा. जब गाना हम गाते थे तो हम एक दूसरे के नज़र से देख के उठाना गाना, ये ऐसा था. और मुझे ये लगता था कि मैं जब दीदी के साथ गाऊं तो मैं कम ना पढ़ूं. तो उन्हें गा शुरू किया उसने, मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, आशा बेला महका हो बेला महकारी महका आधी रात को, मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को. जब मैंने आधी रात ये अपनी तरफ से लगाया तो उसने चश्मे को ऐसा करके मेरे तरफ मुड़ के देखा और ऐसे करके गर्दन हिलाई कि बड़ा सुंदर गा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर. सो स्वीट आशा ताई. अलविदा यारा अलविदा, हो रहे तुमसे हम जुदा, ले चले सारे गम तेरे, खुश रहे यारा तू सदा.
तुमसे भी ज्यादा होंगी अब यादें प्यारियां, हम दोनों की हैं अपनी अपनी लाचारियां, अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां पारियां। मर्ज भी है देती, दर्द भी है देती, चैन भी है देती, जान भी है लेती यारियां, ना छोड़े यारियां, यारी यारी हर कोई करदा यारा रोग अवला है, यारी दे बस जो पै जावे वो पगला वो झल्ला है, हाय तुमसे भी ज्यादा होंगी अब यादें प्यारियां, हम दोनों की हैं अपनी अपनी लाचारियां, अब खुद ही खुद में अब तो कर देंगे लापता। मान ले तू ऐसे है जरा भोले से, जानते हैं वैसे हैं निभानी कैसे यारियां, ओ यारियां यारियां यारियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली सुनिधि चौहान लाइव ऑन इंडियन आइडल। सुनिधि, आपने यू फेल्ट द सॉन्ग सो मच। मैं सिंगर्स को देख रहा था, दे वर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दैट लिटिल सॉन्ग दैट यू हैव संग। इनको पता लग गया कि हमें क्या करना चाहिए टू बिकम द नेक्स्ट इंडियन आइडल। इट्स नॉट इजी, इट इज, दिस इज व्हाट सिंगिंग इज ऑल अबाउट। गिव हर अ बिग हैंड एवरीबॉडी। सुनिधि, आप एक वर्सेटाइल सिंगर है ये तो शायद दुनिया में सभी जानते हैं, लेकिन आपकी जो खास महारत है गायकी का, जो वेस्टर्न अंदाज है, ये क्या आपके दिल में एक स्पेशल जगह होल्ड करता है? देखिए, हर तरह का गाना मुश्किल है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो वेस्टर्न स्टाइल से मैं गाती हूँ उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और मैं जब वो करती हूँ अपने गानों में लाती हूँ तो उसमें एक थोड़ा अलग सा मज़ा आ जाता है, वो लोगों को सुनने में मजा आता है। I enjoy बहुत myself अलग नहीं, बहुत ज्यादा मजा आता है। थैंक यू। well, आज हमारे टॉप 8 को भी इम्तिहान देना होगा गायकी के वेस्टर्न अंदाज का, and I'm sure कि आपकी परफॉर्मेंस ने इन्हें इंस्पायर किया होगा। well, झूम उठेगा इंडिया, मचेगा हंगामा जब परफॉर्म करेंगे हमारे टॉप 8 फाइनलिस्ट गायकी के वेस्टर्न अंदाज में आज इंडियन आइडल में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।